बड़ी खबर, भारत के भीष्म को टक्कर देने के लिए पाक ने खरीदा चीनी टैंक, चीनी माल खरीदा है, नेवर माइंड। पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ चीन का VT4 टैंक, चीन की तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है VT4। चीन ने इस टैंक को खासतौर पर दूसरे देशों को बेचने के लिए बनाया है। आइए जरा एक रियल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करते हैं, क्या है ये VT4 और हमारे लिए कितना बड़ा खतरा, यह अभी बड़ी खबर आई है, आपको बताना जरूरी है। चीन में बना पाक का VT4 और T90 भीष्म टैंक, अगर आपको याद होगा राहुल, एक बार जरा तस्वीरें दिखा दें। ये है वो चीनी माल जो चलता कम है, बिकता ज्यादा है और एक बार में खत्म हो जाता है, और वो है अपने नाम के अनुरूप हमारा भीष्म। ये है हमारा भीष्म टैंक। अब मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को जूम इन करें। चीन की तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, थर्ड जनरेशन T90 दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में शामिल है। यह हमारा टैंक है। नेक्स्ट चेंज करें, तीन क्रू मेंबर्स, ड्राइवर, कमांडर और गनर होते हैं। यहां पर K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से लैस होता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वजन 52 टन, लंबाई करीब 10 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, वजन 48 टन और दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में से एक है और बहुत तेजी से मूव करता है ये, बहुत तेजी से। नेक्स्ट चेंज करें, टैंक का मुख्य हथियार 125 mm की गन है। 125 mm की गन के अलावा मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है, यह भी जानकारी है। मैं सीधे चलूंगा सुमित, बहुत तेजी से क्विकली, ये जो टैंक एक्वायर किया गया है, क्या इसकी वजह यह नहीं है कि बॉर्डर पर यह टैंक स्टेशन्ड है जो हमारा भीष्म है? बहुत शाब्द निशांत, आपने सब कुछ बता दिया, आपने इसकी काबिलियत बता दी आपने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है इसकी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस किस तरीके का है। भीष्म को या फिर T90 टैंक को, अगर आप T90 टैंक की बात करते हैं या फिर भीष्म की बात करते हैं, इनको ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। T90 की बात कर लीजिए, चाहे वॉर ऑफ दस्तान हो, चाहे वे सीरियन कोल्ड वॉर हो या फिर दूसरे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, वो T90 की है, T90 भीष्म की पिछले साल भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के दौरान अच्छी खासी है, लेकिन VT4 की ऐसी कुछ भी आपको कैपेबिलिटीज या ऑपरेशनल एक्सपीरियंस आपको नजर नहीं आता। तो जंग के मैदान में यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास जो हथियार है वो युद्ध के मैदान में या फिर एक्सरसाइज में कितना ज्यादा परखा गया है, मैं आपको रोकूंगा, इस्तेमाल किया गया है।